सर, मुबारक पुर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ हवाला कारोबारियों को आज गिरफ्तार किया गया। क्या प्रकरण है सर? थाना मुबारकपुर में 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 2 लग्जरी वाहन बरामद हुए और फर्जी इनसे पहचान पत्र बरामद हुए हैं। ये लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट जैसे आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, अयोध्या, मऊ और जौनपुर में पैसे सप्लाई का काम आजमगढ़ से कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी करी गई है। सर्वप्रथम पुलिस को जब सूचना मिली कि कुछ आदमी भारी मात्रा में पैसा लेके जा रहे हैं मुबारकपुर से, तो इसमें गिरफ्तारी मोहम्मद अंजार व मोहम्मद आसिफ की करी गई और इनके पास से फर्जी आईएनटी कार्ड्स और 50 लाख रुपये बरामद हुए। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इनके साथ के जुड़े आफताब अली, अब्दुल मन्नान व नजीब अख्तर इनसे ये काम कराते हैं। तो इन सबसिक्वेंट जो आगे दबिश दी गई तो फिर मुबारकपुर से पुलिस टीम गई है सरायमीर, वहाँ से एक गाड़ी में ये 3 लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करी गई। आफताब अली के लड़के जो हैं ये विदेश में रहते हैं और वहाँ से ये संचालित करते हैं, और यहाँ पर नजीब अख्तर इनके जो भाई हैं वो सोने का इनका कारोबार है और साथ में कपड़े का कारोबार है, जो एक्सचेंज के रूप में ये लोग यूज़ करते थे मीडियम। इन सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे राजस्व का भारी नुकसान होता था और काले धन को सफ़ेद धन इस माध्यम से बनाया जाता था, तो पुलिस को इस चीज़ में भारी सफलता मिली है इनकी गिरफ्तारी। सर, इस पूरे मामले में कुछ इसमें जो आफताब अली उर्फ अफ्तू है, इसके लड़के जो हैं ये दुबई में रहते हैं, ये वहाँ से हवाला का कारोबार संचालित करते हैं और इनसे 2 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिसके माध्यम से अगल बगल के 7 डिस्ट्रिक्ट में ये पैसे ले जाने का कार्य कर रहे थे, वो इनसे बरामद हुए। सर, इसमें और लोग भी जुड़े हो सकते हैं? इनसे कुछ लोग हमारे और वांछित हैं, इनसे विस्तृत हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो 4 हमने वांछित किए उनकी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।